हेलो एवरीवन, ये कोलबे स्पिमेंडिट रिएक्शन है। आज हम इसको सीखेंगे और इसके मैकेनिज्म को जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है। इसमें हमारे पास एक फिनॉल होता है। ठीक है, फिनॉल जब हमारा बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, बेस प्लस CO2H+ के प्रेजेंस में जब फिनॉल रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या बनता है, पैरासैलिसिलिक एसिड भी बनता है। ठीक है, और इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये पैरासैलिसिलिक एसिड हुआ क्योंकि पैरा पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म देखिए क्या, बेस है NaOH, एक बेस है। बेस का काम है MOS CH2+ लेना। ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन जो है ये MOS CH2 है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन MOS CH2 है, तो ये बेस इसको ले लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आओ आके क्या करेगा, रेजोनेंस कर सकता है, तो रेजोनेंस करेगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ये रेजोनेंस कर लेगा तो हमारा ऑक्सीजन वहाँ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यही वाला यहाँ पे जाके अटैक किया, यहाँ से देखो दिखाया गया ना, यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया। तो बॉन्ड ऐसे ओपन होता है, एरो जिधर होता है ना उधर नेगेटिव होता है, उसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव होता है। तो देखो ये वाला यहाँ अटैक किया और ये वाला ऐसे ओपन हुआ, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, एरो इधर है तो इधर नेगेटिव, और ये वाला अटैक किया इसके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर दिए। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे Na जो प्लस था ना यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसके साथ जुड़ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये कार्बन जो है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, दिख रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसको हमारा ये एरोमेटिक भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसको क्या करेगा, एरोमेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगी। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, दिख रहा है आपको, देखो ये वाला हाइड्रोजन हमारा उठ के यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा, ये टॉटोमराइज हो जाता है, टॉटोमराइज। देखो ऐसे नंबरिंग कर लो अगर डाउट हुआ करे तो, 1, 2, 3 1 वाला हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये 2, 3 वाला, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला आएगा, तो बस वही 2, 3 वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे चला है। बाकी जो जैसे था आपको COONa ऐसे लिख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारा यही वाला क्या हो जाएगा, अब देखो H+ भी था हमारे रिएक्शन में, यहाँ पे देखो H+ भी था, तो ये H+ क्या करेगा, यहाँ पे H+ आके इसको हटा के यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे KOH लोगे ना, यहाँ पे एक स्टार करके लिख लो, अगर NaOH बेस लोगे तो हमारा आर्थो वाला मेजर बनता है, लेकिन अगर KOH बेस लेते हो ना तो हमारा जो पैरा वाला होता है वो मेजर बनता है। तो इस चीज़ को याद रख लेना, बेस तो दोनों हैं लेकिन अगर KOH बेस लेते हो तो पैरा वाला मेजर बनता है, लेकिन अगर NaOH लोगे तो ये आर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बाकी फुल वीडियो आपको @iitn थिंकिंग चैनल पर मिलेगा, आप वहाँ पे और भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फुल कॉन्सेप्ट है वहाँ पे @iitn थिंकिंग। ओके, थैंक यू।